यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। घमर गांव स्थित इंटर कॉलेज में गुरुवार की दोपहर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सेवराय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत घमर गांव स्थित इंटर कॉलेज में गुरुवार की दोपहर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा बच्चों के सवालों का गंभीरता से सुन जवाब दिया गया। गुरुवार की दोपहर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ कामाख्या का दर्शन पूजन करने के उपरांत घमर इंटर कॉलेज पहुँची। माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। 9वीं और की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने शिक्षा राज्य मंत्री से परीक्षा में होने वाली कठिनाइयों सहित परीक्षा संबंधी तैयारी के बाबत सवाल पूछ डाले। 8वीं की छात्रा अंजलि चौबे ने रिजल्ट खराब आने के बाद बच्चों में जो तनाव रहता है और बच्चे अपना जोश खो जाते हैं उसी स्थिति में अपने आप को कैसे नियंत्रित करें। 9वीं की छात्र शौर्य गुप्ता ने परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व की जाने वाली तैयारियों के टिप्स के बारे में प्रश्न किया। 9वीं के छात्र आशीष कुमार ने सवाल किया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, वही हिंदी छात्रों को हेयर दृष्टि से देखा जाता है। की छात्रा रिया सिंह ने पूछा कि परीक्षा के दौरान कुछ ऐसे प्रश्न जो याद नहीं हो पाते हैं और वही परीक्षा के दौरान आते हैं। की छात्रा अनुष्का सिंह ने अच्छा परिणाम लाने में बच्चों को जो तनाव होता है उसको कैसे दूर किया जा सके सहित कई सवाल शिक्षा राज्य मंत्री से पूछा गया, जिस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के एक एक प्रश्नों का आसानी से जवाब दिया। वही भाजपा नेत्री अंशु सिंह द्वारा राजकीय कन्या विद्यालय में अध्यापकों की कमी और इसमें बहाली के लिए एक मांग पत्र सौंपा। भाजपा जिला मंत्री विष्णु प्रताप सिंह ने भदौरा स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों के बंद होने के पश्चात पुनः ठहराव सुनिश्चित किए जाने से संबंधित एक पत्रक सौंपा। उक्त अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, प्रभारी लोकसभा सुशील उपाध्याय, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, प्रबंधक अजय सिंह घमरी, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पंकज राय, मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह, निपेंद्र उपाध्याय, पिंटू सिंह, अमित सिंह, अनिल यादव, शालिनी श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर ब्यूरो चीफ नसीम खान की खास रिपोर्ट। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, परंतु जब हमारा रिजल्ट बेकार आता है तब उस समय हमारी परिस्थिति यह होती है कि हम अपने अंदर के सारे जोश को खो देते हैं। हमारे अंदर जो जोश होती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, वो सारे जोश खत्म हो जाते हैं। इस स्थिति में हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि हम स्थिति में कैसे अपने आप को हैंडल करें। उपाध्यक्ष दीदी कमलावती जी, हमारे साथ चलकर आ रहे हैं सुचिन उपाध्याय जी प्रभारी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित विष्णु जी, हरिओम जी, पंकज जी, दीपेंद्र जी सहित सभी सम्मानित साथीगण, मंच पर उपस्थित इस इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे देश के भविष्य सम्मानित विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, देश के साथी, आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। पहले माता का दर्शन हुआ, फिर कि क्रमशः उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों की बहाली हो रही है और यहाँ के बारे में अभी जानकारी मिली है, निश्चित रूप से ये हम बात करेंगे। और ताकि एक सवाल, अभी 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन बच्चों के और किसी का ध्यान नहीं रहा कि बच्चों की क्या समस्या है। पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर लोगों की चिंता करते हैं। तो उनके तहत जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है, इसके लिए बच्चों को कि आप 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा में आप भाग लें और जो बच्चों के अंदर जो डर है, परीक्षा का भय है, उसको कैसे वो दूर करें, जो स्ट्रेस फ्री होकर वो परीक्षा दे, उसके लिए उन प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। परीक्षा को डर नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में ले, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उसके तहत अभिभावक, शिक्षक और बच्चों के साथ संवाद करते हैं,
और उस संवाद के माध्यम से आज आप देखेंगे कि पहले और अभी में जो बच्चों का परीक्षा रिजल्ट के बाद जिस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी उस पर रोक लगी है। और हम सब की ये अपेक्षा है कि बिल्कुल बच्चे स्ट्रेस फ्री होके पढ़े, अगर और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी कोई दबाव ना हो। बच्चे देश के भविष्य हैं और ये अच्छे ढंग से काम करें, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें लगता है कि इसका फ़ायदा भी मिल रहा है और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। स्कूल प्रबंधक से भी कहा गया है कि वो जरूर लाइव 11 बजे से है उसमें बच्चों को भाग उस कार्यक्रम में लाइव दिखाएं ताकि बच्चे उनके अंदर जो जिज्ञासा है जो उनकी उनका शक है उसका समाधान हो सके। आपकी सरकार द्वारा बेटी बचाओ।